बन्नू बिरादरी की ओर से देहरादून का मुख्य दशहरा कार्यक्रम परेड ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है। वहीं कोरोना संक्रमण की वजह से 2 साल बाद परेड ग्राउंड में इस बार रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया जाएगा। वहीं प्रशासन के सहयोग से इस बार भव्य दशहरा मनाने की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि देहरादून में गठित प्रथम दशहरा कमेटी के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय लक्ष्मण दास विरमानी रहे हैं। पिछले 75 सालों से बन्नू बिरादरी देहरादून में भव्य दशहरे का आयोजन करते आ रहे हैं। वहीं बीते 2 सालों में कोरोना के कारण बिरादरी की ओर से दशहरा कार्यक्रम सूक्ष्म रखा गया था, लेकिन इस बार दशहरा कार्यक्रम को बड़े ही हर्षोल्लास और भव्य तरीके से मनाने का निर्णय लिया गया है। दशहरा कमेटी बन्नू बिरादरी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं दशहरा कमेटी बन्नू बिरादरी के प्रधान संतोष सिंह नागपाल ने बताया है कि इस बार रावण 65 फीट जबकि मेघनाथ 60 और कुंभकर्ण 55 फीट का होगा। इसके अलावा लंका को भी भव्य स्वरूप दिया गया है। देहरादून से अभिष गुप्ता की रिपोर्ट। प्रथम दशहरा कमेटी के संरक्षक 2 साल की कसर हमने पूरी करनी है और भव्य दशहरा हम कर रहे हैं। इस बार हमने मुख्य आरक्षण पुतलों पे कागज की जगह कपड़ा लगाया है और शनील का कपड़ा है वो, और बहुत ही अट्रैक्टिव है वो। सब में तीनों में अलग अलग कलर है पुतलों में, वो चाहे तो भी आप देख भी सकते हैं। और हमारी शोभा यात्रा पूर्व के भांति है, उसमें हमने ट्रॉलियों की जगह इस बार रथ किए हमने।